नमस्कार दोस्तों, एमपी मशरूम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड क्वालिटी ऑफ स्पॉन फॉर मशरूम कल्टीवेशन। तो इसमें ये देखने के लिए कि हमें कैसा स्पॉन चाहिए क्या, इसके लिए हम पांच तरीके के मशरूम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वेल मैच्योर्ड स्पॉन। वेल मैच्योर्ड स्पॉन जैसे नाम से ही पता चलता है कि अगर आपके स्पॉन बैग पूरी तरह से वाइट कलर के कोटिंग में है और माइसीलियम पूरी तरह से कवर है, तो वो आपका बैग जो है वेल मैच्योर्ड स्पॉन है और आप ऐसे बैग को 7 से 8 दिन में इस्तेमाल कर लें। दूसरा है लेस मैच्योर्ड स्पॉन। लेस मैच्योर्ड स्पॉन ये होता है कि जो आपको जिसमें माइसीलियम रन बहुत अच्छे से नहीं हुआ रहता है, कम कोट करके रहता है और वो हल्का ब्राउनिश कलर का दिखता है। अगर आपको ऐसा बैग आपको आया है या आपने ऐसा परचेज कर लिया है, तो आप उसे 3 से 4 दिन के लिए रख दें, उसमें माइसीलियम अच्छे से रन हो जाएगा और फिर आप उसे यूज कर सकते हो अपने कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए। तीसरा जो है वो है ओवर मैच्योर्ड स्पॉन। ओवर मैच्योर स्पॉन जो होता है, जैसे बहुत बार मशरूम के लिए जो स्पॉन तैयार किए गए हैं उन्हें हमने रख दिया है, मशरूम जो है वेल मैच्योर्ड हो गए, उसके बाद काफ़ी समय तक 30-40 दिन तक हमने उसको ऐसा ही छोड़ दिया, तो वो ओवर मैच्योर्ड हो जाते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो ओवर मैच्योर्ड है? वो उनका कलर चेंज हो जाता है, वाइट से वो येलोइश हो जाते हैं, काफ़ी बार वो ब्लैकिश और ग्रीनिश कलर के भी हो जाते हैं, और ऐसे बैग में बहुत बार देखा गया है कि उन्हीं में से ही मशरूम निकल आते हैं, तो ऐसे स्पॉन को हमें यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आता है इन्फेक्टेड स्पॉन बैग। इन्फेक्टेड इसलिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि माइसीलियम सही से रन नहीं होने की वजह से बैग में काफ़ी बार बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे जिसमें हम क्या देख सकते हैं, ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, येलो स्पॉट दिखते हैं स्पॉन के बैग में। अगर ऐसे बैग में आपको स्पॉट दिखते हैं और थोड़े थोड़े दिख रहे हों, तो आप उन्हें हटा दीजिए और फिर इस्तेमाल करिए। अगर पूरे बैग में ऐसे बहुत हो गए हैं, तो फिर उस बैग को आप फेंक दीजिए और उसे कल्टीवेशन के प्रोसेस में यूज ना करें। उसके बाद हम इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, जो अगर मशरूम के स्पॉन को हमने काफ़ी दिन ऐसे छोड़ दिया और उसमें एक्सेस वाटर जब रिलीज होने लगता है, तब वहाँ पर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देता है, और ऐसे में आप उस बैग को यूज़ ना करें कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद आता है ओल्ड मशरूम का स्पॉन। जैसे कि स्पॉन हमने रेडी कर दिया और वो काफ़ी टाइम, जैसे 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तक हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो हमें वो दिखता क्या है कि वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा है, और जब वो डिग्रेड होने लगा है तो आप उसे अगर कल्टीवेशन में यूज़ करोगे तो वो कभी भी आपको अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगा, या तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो आपके बैग वेस्ट हो जाएंगे। तो ये आपके सारे 5 पॉइंट है मशरूम के स्पॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगली बार जब आप स्पॉन परचेस करने जाएं, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें और नोटेड रखें कि हमें कैसा स्पॉन चाहिए। इस तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और किसी हेल्प के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करें। Thank you for watching.